देखो, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ऐसी बात नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग है प्रेशर। वैसे हर चैप्टर की स्टार्टिंग में हमेशा बोलता हूं मैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये सच में इंटरेस्टिंग है। हमने लास्ट टाइम प्रेशर क्यों डेवलप होता है, फ्लूइड प्रेशर, इसको डिस्कस किया। ध्यान आगे प्लीज, इसको हमने डिस्कस किया। फिर हमने इसके अंदर ये डिस्कस किया कि क्यों कोई बॉडी फ्लोट करती है, बिना आर्किमिडीज के एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की थी। फिर हमने जाते हुए पास्कल लॉ किया, जो ये कहता है कि प्रेशर एक तरफ से इंक्रीज करोगे एक इंक्लोज्ड फ्लूइड का, तो हर पॉइंट पर प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर इसके बेस पे हमने एक हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रिंसिपल देखा, हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करती है। फिर उसके बाद हमने इसके एक न्यूमेरिकल किया और मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं, प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। ठीक है यहां तक? प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। तो सपोज करो, देखो, लेट अस सपोज आपके पास ये एक कंटेनर है जिसमें एच हाइट का लिक्विड है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है। हमने शायद लास्ट टाइम भी डिस्कस किया, नहीं किया तो भी बता देता हूं कि बेस पे, इसके बॉटम पे कितना भार लग रहा है पानी का, वेट कितना है, आप बोलेंगे एमजी। मास कितना है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी क्या आ गया, वेट आ गया। कोई डाउट इसमें? प्रेशर बॉटम पे क्या होगा, टोटल फोर्स बाय टोटल एरिया। फोर्स का मतलब यहां पर वेट है, थ्रस्ट भी बोलते हैं, बाय एरिया, एरिया से एरिया कैंसल, क्या बनेगा, एच रो जी। रो कर लो प्लीज, पी नहीं है ये, तो प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। ठीक, तो प्रेशर की वैल्यू बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, हमें लगता है प्रेशर की वैल्यू बॉटम मोस्ट पॉइंट पर एच रो जी आ गई। मैं रिपीट करता हूं, मैंने कहा हमें ऐसा लगता है प्रेशर की वैल्यू बॉटम मोस्ट पॉइंट पर एच रो जी आ गई। एक्चुअल में ये क्या आया मैं आपको बताता हूं, ये प्रेशर का डिफरेंस आया। अब ये प्रेशर का डिफरेंस वर्ड तो मैंने यूज भी नहीं किया इसमें, इसको करने के लिए ये नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, उसके बाद ऊपर वाले एग्जांपल पे आऊंगा। क्या है ये, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द लिक्विड, जो पिछला टॉपिक भी यही था, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द लिक्विड और अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। मतलब ये टॉपिक ये शो करता है कि लिक्विड के अंदर अगर आप दो कोई भी पॉइंट्स लेंगे, उन दो पॉइंट्स में जो प्रेशर की वैल्यू होगी या प्रेशर का डिफरेंस होगा वो जी ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। तो हम एक काम करते हैं, पिछले और इस रिजल्ट को करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लिक्विड है, लिक्विड के अंदर ये बॉडी नहीं है सिलेंडर की, ये लिक्विड ही है, बस मैंने पोर्शन लिया इसका, उस पोर्शन की शेप क्या इमेजिन की मैंने, सिलेंडर है ये पानी, पानी के अंदर बीच में पानी का पोर्शन लिया जिसकी शेप सिलेंड्रिकल है, कोई भी ले लिया बीच में, राइट। एरिया ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इसका वेट कितना है mg, इसका वेट कितना है mg। तो यहां पर ऊपर की सरफेस पे ऊपर का जो वाटर है इस पे फोर्स लगाएगा और ऐसी नीचे की सरफेस पे नीचे का वाटर भी यहां फोर्स लगाएगा, या ऐसे बोल लो प्रेशर लगाएगा। तो एक लिक्विड का मॉलिक्यूल दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल को प्रेशर लगाता है, तो इन लिक्विड के मॉलिक्यूल को ये लिक्विड दबाएंगे और इसको ये दबाएगा। आप कहोगे सर यहां हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपस में जाती हैं, इसलिए हम लिक्विड के केस में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देने हैं, सिर्फ वर्टिकल देखी जाए। तो कि इसके ऊपर एक फोर्स नीचे है, इस पोर्शन पे फोर्स ऊपर है और वेट नीचे, और इन दो पॉइंट्स के बीच में हाइट का डिफरेंस कितना है, एच है। क्लियर है यहां तक? तो अब मुझे सिर्फ ये बताओ, यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा लिक्विड का कि नीचे प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर कि नीचे? नीचे। कितने लोग बोलते हैं ऊपर, कितने बोलते हैं नीचे? सही है, क्योंकि पानी अपना भार लगा रहा है नीचे, तो जितना पानी के नीचे जाते जाओगे प्रेशर उतना ही बढ़ता रहेगा। ये रूल सबको समझ में आ रहा है? तो अगर यहां प्रेशर बढ़ा है तो प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, फोर्स। तो यहां की फोर्स इस फोर्स से बड़ी है,
तो एफ टू इज ग्रेटर देन एफ वन। क्लियर है यहां तक? पर मेरे को एक चीज पता है कि ये पानी की जो सरफेस है, जो भी ये पानी का पार्ट है तो रेस्ट पे ही ना, वो ऊपर नीचे मूव तो नहीं कर रहा। और अगर ये पानी का पोर्शन ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा तो ये इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती क्या है, नीचे की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ऊपर की फोर्स। तो बताओ इस लिक्विड के नीचे की फोर्स कितनी है, एम जी, साथ में कितनी है एफ वन, तो एफ वन एम जी, और ऊपर की फोर्स कितनी है एफ टू, एफ टू। तो क्योंकि ये वाटर का पोर्शन इक्विलिब्रियम में है तो ये रूल समझ में आ रहा है, एफ वन प्लस एम जी इज इक्वल टू एफ टू, क्योंकि एफ टू फोर्स कहां पर है, ऊपर है, और एफ वन और एम जी कहां पर है, नीचे है। कोई डाउट इस? क्लियर है यहां तक? अच्छा, फोर्स एफ वन क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया। एफ वन जहां फोर्स लग रही है वहां प्रेशर पी वन है इंटू एरिया, एफ टू जहां फोर्स लग रही है वहां प्रेशर पी टू है इंटू एरिया। ये रूल क्लियर है? एरिया ए और एम जी, मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो जो पानी का पोर्शन हमने सिलेंडर की फॉर्म में लिया उसका वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू हाइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई किया, डेंसिटी, तो क्या आया मास। एरिया 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 कैंसल, तो क्या रिजल्ट आया, पी टू माइनस पी वन, पी टू माइनस पी वन क्या बचेगा, एच। तो ये तो रिजल्ट वही आ गया जो पीछे किया था। तो एक्चुअल में क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअल में ये हुआ कि अगर आपके पास कोई लिक्विड है और लिक्विड के अंदर कोई भी दो पॉइंट्स है ए एंड बी, और अगर आप इन दो लिक्विड्स के पॉइंट्स का प्रेशर का डिफरेंस निकाल, तो वो प्रेशर का डिफरेंस क्या है, एच रोजी। तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं कैसे और इलेबोरेट करके। सपोज ये एक लिक्विड है, इस लिक्विड के सपोज करो इस पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर प्रेशर कितना है, सिर्फ पी एटमोस्फेयर, क्योंकि यहां एटमोस्फेयर है और एटमोस्फेयर इस पॉइंट पर क्या लगा रहा है, प्रेशर, बिल्कुल हवा में ही है वो पॉइंट। और अगर सपोज करो ये पॉइंट बी है, दिस पॉइंट इज बी, और यहां का प्रेशर और ये डिस्टेंस है एच, तो इस पॉइंट पर पानी तो प्रेशर लगाएगा साथ में एटमोस्फेयर भी लगाएगा। कोई कह रहा है कि एटमोस्फेयर कैसे मुझे टच कर जाएगा, मैं तो पानी में घुस जाऊंगा, एटमोस्फेयर की क्या हिम्मत है, वो तो हवा बाहर रह गई, नहीं करेगा। सोचो ये मैंने अपने ऊपर किताब रख ली, इसके ऊपर कोई स्टूडेंट आके बैठ गया, अब वो ये कहे मुझे सर मैं तो इसके ऊपर बैठा हूं ना, आपके ऊपर तो नहीं बैठा ना, तो आपको क्या टेंशन है। मैं कहूंगा प्रेशर फील कर रहा हूं यार, मैं बहुत जोर की प्रेशर, आप देखो क्यों कर रहे हो, क्योंकि बॉक्स का प्रेशर तो लगा साथ में आपका, और आपका नाम क्या था, एटमोस्फेयर, तो यानी कि एटमोस्फेरिक प्रेशर इसके नीचे के पॉइंट पे लगेगा और साथ में इसका भी लगेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर आप समुद्र के नीचे चले जाओगे तो सी जो है वो तो प्रेशर लगाएगा, सी के ऊपर कौन पड़ा हुआ है, तो दोनों प्रेशर लगाएंगे। पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो इसीलिए यहां का जो प्रेशर होगा यहां पे वो एटमोस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही होगा, और यहां से नीचे 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 आते आते इंक्रीज इन प्रेशर लिक्विड का कितना हो गया, एच रो जी। तो ये इस पॉइंट का प्रेशर है, ये इस पॉइंट का प्रेशर है, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि दोनों पॉइंट के प्रेशर का डिफरेंस निकालो तो आंसर क्या आएगा, एच रो जी। तो जो एच रो जी है ना वो फॉर्मूला इंक्रीज इन प्रेशर का होता है, वो किसी पॉइंट का प्रेशर नहीं है, वो बेसिकली जब जितनी हाइट आप नीचे आते जाएंगे देयर विल बी इंक्रीज इन प्रेशर। तो कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ, पहले तो एटमोस्फेयर था, नीचे आते 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 एटमोस्फेरिक प्लस कितना इंक्रीज हो गया, एच रो जी। तो अगर न्यूमेरिकल आएगा यहां के पॉइंट का प्रेशर बताओ तो आप क्या बोलोगे, पी एटमोस्फेयर प्लस इंक्रीज इन प्रेशर एच रो जी, और यहां पे सिर्फ पी एटमोस्फेयर। लेकिन क्वेश्चन में आएगा फाइंड चेंज इन प्रेशर, तो चेंज इन प्रेशर में फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर जो कि क्या आएगा, सिर्फ एच रो जी। तो ये एच रो जी का पॉइंट समझ में आया, एच रो जी इज ऑलवेज इक्वल टू इंक्रीज इन प्रेशर, राइट, दिस इज नॉट अ प्रेशर एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी निकल के आएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है यहां पर? तो इस चीज को पी टू माइनस पी वन को एच रो जी लिखा जाता है, जैसे मैंने बताया। अगर मैं ऐसी जगह पर इस कंटेनर को ले जाऊं जहां पर जी नहीं है, मान लो जी जीरो हो गया, जी जीरो हो गया,
तो फिर उन दो पॉइंट्स में प्रेशर भी फील नहीं होगा और वो पानी उड़ेगा जी होएगा ही नहीं, मतलब जैसे वैसे का वैसा रह जाएगा जीरो। अगर वैसे मून पे ले जाऊं तो जी जी बाय सिक्स हो जाता है तो प्रेशर का चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब कि प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो प्रेशर का डिफरेंस जी पे भी डिपेंड करता है, हाइट पे तो करता ही करता है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? सो पेज नंबर 7 पे इस पॉइंट को मैंने लिखा हुआ है कि अगर आपके पास ये कंटेनर है और कंटेनर में ए और बी के बीच में हाइट एच है और ए का प्रेशर बी के प्रेशर से हमेशा ज्यादा होगा क्योंकि वो नीचे है, कितना ज्यादा होगा? पी ए माइनस पी बी एच रो जी। सिमिलरली ये कंटेनर है, बी पॉइंट बिल्कुल सरफेस पे है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर कितना है? पी एटमोस्फेयर। ए पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? पी एटमोस्फेयर तो होगा होगा और पानी की वजह से इंक्रीज कितना हो गया? एच रो जी। इसका मतलब पी ए माइनस पी बी प्रेशर डिफरेंस जो होगा वो एच रो जी। पी एट बी क्या है? पी एटमोस्फेयर। तो ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? पी एटमोस्फेयर प्लस एच रो जी। समझा दिया ना? ए पॉइंट का प्रेशर इज पी एटमोस्फेयर प्लस एच रो जी। डाउट इसमें? रूल भी समझ में आ गया यहां तक? ठीक है यहां तक? ठीक। नेक्स्ट है एक हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है पैराडॉक्स जो हमें लगता है और हम मानने को भी तैयार नहीं आज की डेट में, लेकिन जो लगता है वो सही नहीं लगता और रियलिटी कुछ और है। क्या रियलिटी है? वो कह रहे तीन कंटेनर ले लो, तीनों की शेप चेंज कर दो, एक कंटेनर एकदम खुला कर दो, बिल्कुल एकदम बकेट सीधी लो, एक एकदम खोल दो ऊपर की तरफ और एक ऊपर से टाइट कर दो, ये ना? लेकिन तीनों में लेवल ऑफ वाटर क्या रखें? सेम रखें, एच एच एच। नीचे प्रेशर मेजर करने की मशीन लगा दें और कमाल की बात है कि प्रेशर की वैल्यू तीनों मीटर में एग्जैक्टली सेम आएगी। कंटेनर कोई कहेगा सर और बड़ा ले लूं, ले लो, हाइट सेम रखोगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक, ये पैराडॉक्स है। मतलब अभी भी ये सुनने के बाद भी लोग इसको मानेंगे नहीं, वो कहेंगे देखो कंटेनर ऐसे जाएगा तो पानी का भार बढ़ जाएगा, वो वेट बढ़ाएगा तो प्रेशर सेम कैसे होगा? प्रेशर सेम नहीं होगा, ऐसा लगता है ना, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रैक्टिकली जब ये करके देखा गया तो हाइट अगर सेम ली जाएगी और हाइट अगेंस्ट ग्रेविटी है, अगेंस्ट ग्रेविटी, तो प्रेशर का डिफरेंस एच रो जी तीनों में एग्जैक्टली सेम आएगा। इससे मैटर नहीं कर रहा कि उसकी शेप कैसी है। एक्चुअल में इसका रीजन ढूंढने की कोशिश भी की गई और कुछ रीजन बताया भी गया नीचे, तो एक हम मैथमेटिकल तो नहीं रीजन कर पाएंगे बट हाँ एक आइडिया हम ले सकते हैं इससे। आइडिया ये है कि सपोज करो ये वॉल कंटेनर है, ये रही एक, इसकी वॉल इस तरीके से है, ये जो वॉल है वो सीधी है, ये वॉल अंदर की तरफ है कुछ ऐसे है, राइट? तो ये डायग्राम समझ में आया सबको? ये रहा, ठीक है। उसने कहा जो प्रेशर है नीचे वो हम लोग मानते हैं कि वो एमजी बाय एरिया, एमजी बाय एरिया, एमजी बाय एरिया है, सही मानते हैं, कोई गलती नहीं है इसमें। तो फिर फर्क कैसे पड़ गया? अगर एमजी बाय एरिया था तो इस कंटेनर में तो शायद ज्यादा पानी आ गया, अगर थोड़ा एमजी से ज्यादा पानी आ गया फिर तो प्रेशर बढ़ना चाहिए था ऑब्वियसली, और कंटेनर और इस तरीके से बेस ऊपर से खोल देंगे तो और पानी भी आ सकता है उसमें, लेकिन प्रेशर चेंज नहीं हो रहा अगर हाइट सेम है। उसका रीजन ये है कि जो तो वॉल ऐसी है, पानी जो है, पानी के मॉलिक्यूल इस वॉल को इस तरह दबाते हैं, फोर्स लगाते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस सुना होगा आपने, तो पानी के मॉलिक्यूल इसे इस तरफ दबाएंगे तो बदले में वॉल उसको उन सबको क्या देगी? नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पर इस वॉल के परपेंडिकुलर यहां जाएगा, सिर्फ एक नहीं बनेगा, ऐसे कई बनेंगे, जितने मर्जी ड्रॉ कर दो, इनफाइनाइट, मैंने एक ले लिया कोई भी। तो इस वॉल पे पानी का जो रिएक्शन, पानी को जो रिएक्शन मिलेगा वॉल से वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, लेकिन अगर वॉल सीधी है, सीधी है तो रिएक्शन ऐसे बनेगा, अगर वॉल ऐसी है तो रिएक्शन ऐसे बनेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो शेप पे डिपेंड करता है, अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो रिएक्शन की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएंगी। अगर टेढ़ी मेढ़ी बनाते हो, जैसे मैं और भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ रिएक्शन के, मैं बना के आया हूं,
जैसे ये देखो, अगर ये बकेट ऐसी है, लिक्विड के मॉलिक्यूल ने यहां फोर्स लगाई, रिएक्शन देखो, ये रहा रिएक्शन, राइट? समझ में आ रहा रिएक्शन कैसे? जैसे सपोज शेप चेंज करते हैं, ये देखो, ये देखो, तो अगर मैंने शेप जो है ये मटका टाइप, इस टाइप से ये वेसल ऐसा है, अब जो तो इस तरीके से शेप है, तो पानी के मॉलिक्यूल बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो रिएक्शन इनवर्ड, यहां पे पानी के मॉलिक्यूल ऐसे फोर्स लगाएंगे तो रिएक्शन अपवर्ड, तो इन नीचे वाले पोर्शन में रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा, ऊपर वाले पोर्शन में नॉर्मल ऐसे होगा। क्लियर है यहां तक? तो डिपेंड करता है यानी कि शेप टू शेप कैसे है, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो वापस चलते हैं अपने उस एग्जांपल पे। देखो, तो वो कहता है कि मान लो कोई कहता है कि जो कंटेनर है, मान लो कंटेनर ऊपर से खुला हुआ था ऐसा, तो उसमें ज्यादा पानी आया, पर लेकिन नीचे प्रेशर तो चेंज नहीं हुआ। वो इसलिए अगर आपका वेट, आपको लगता है कि आपने ज्यादा कर दिया पानी का, तो ये जो रिएक्शन है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो ऐसे कितने होंगे? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो इस दीवार के सारे वर्टिकल कंपोनेंट ऐड करोगे तो नेट फोर्स वर्टिकल का आएगी ऊपर, और हॉरिजॉन्टल आपस में क्या कर जाएंगी? कैंसल। तो अगर आपको लगता है कि आपका पानी का वेट यहां ज्यादा हो गया नीचे की तरफ, तो वर्टिकल फोर्सेस ऊपर की तरफ हैं और आपके वेट को क्या कर देंगी? कम कर देंगी। और कितना कम कर देंगी? जितना इस वेसल में था, नॉर्मल वेसल जो सीधा होता है, तो सीधे वेसल में वर्टिकल फोर्स ही नहीं है क्योंकि पानी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएगा और रिएक्शन भी हॉरिजॉन्टल है, तो टोटल वेट नीचे की तरफ एक नॉर्मल वेसल में क्या रहेगा? mg ही रहेगा। पर इसमें आपको लगता है कि आपका वेट बढ़ गया, लेकिन वर्टिकल फोर्सेस ऊपर ऐड करने के बाद आपका वेट उतना ही शो करेंगी जितना सीधा आ रहा था, तो प्रेशर सेम आ जाएगा। उसी तरीके से ये अगर ट्यूब ऊपर से कम विड्थ की होती जा रही है, पानी कम आएगा, अगर पानी का वेट इसमें कम डाला तो प्रेशर कम होना चाहिए था, पर वो कहते हैं वर्टिकल फोर्सेस इसमें कैसे एक्ट करती हैं सारी की सारी दीवार पे? नीचे की तरफ। तो कम पानी का वेट डाला था आपने इसमें, पर वर्टिकल फोर्सेस नीचे होने की वजह से आपका वेट उतना ही आ जाएगा टोटल जितना इसमें आता था, यानी कि शेप जो है पानी के वेट को क्या करेगी? चेंज कर देगी। जो शेप है उस वजह से वर्टिकल फोर्सेस एक्ट करेंगी, वो पानी के वेट को के अंदर चेंज लेके आएंगी। जैसे सीधी ट्यूब में पानी 10 न्यूटन है, तो नीचे 10 न्यूटन बाय एरिया प्रेशर है। इस ट्यूब में आपको लगता है पानी 12 न्यूटन आ गया वेट का, पर ये वर्टिकल फोर्सेस 12 वर्टिकल फोर्सेस 2 न्यूटन की एक्ट करेंगी शेप की वजह से, प्रोवाइडेड हाइट अगर सेम है तीनों में, तो 12 में से 2 गया कितना आया? 10, तो प्रेशर सेम आ जाएगा। इसमें पानी कम आया था 8 न्यूटन, वर्टिकल फोर्सेस 2 न्यूटन ऐड कर देंगी, पानी का वेट फिर से कितना जाएगा? 10 न्यूटन। तो शेप चेंज करने से पानी के वेट में अपरेंट चेंज आ जाएगा, जिस वजह से प्रेशर कभी चेंज होगा नहीं, पर प्रोवाइडेड हाइट की वैल्यू, ये याद रहे, हाइट की वैल्यू तीनों में एग्जैक्टली, ये ना हो कि शेप भी चेंज कर दी और हाइट भी वो बहुत डबल कर दी, फिर तो प्रेशर बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। हाइट सेम होगा, वेसल वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे एडजस्ट करेंगे वेट को कि नीचे का प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये है पैराडॉक्स। पॉइंट समझ में आया? तो ये आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए है कि हाँ अच्छा ऐसा भी होता है कहीं, मतलब आप प्रेशर पढ़ लें और आपको पता ही लगे कि ऐसा भी होता था कभी, मतलब ये तो बहुत मेजर पॉइंट है जो शायद पता होना चाहिए, कोई पूछ ही ले तो पता होना चाहिए कि इसमें ये पैराडॉक्स ऐसा होता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलेंगे बहुत सारे, मैं लिख के लाया हूं आपको ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पैराडॉक्स पे ऐसे दिखाई देंगे। ये देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलेगा, मेरी शीट में मिलेगा। मान लो ये शेप है, टेढ़ी मेढ़ी ट्यूब है, देखो एक ट्यूब, दो ट्यूब, तीन और चार, सबकी शेप अलग है, लेकिन हाइट लिक्विड की तीनों में एग्जैक्टली सेम है, तो फिर प्रेशर ड्यू टू हाइट, हाइट प्रेशर है। अगर कोई पॉइंट लोएस्ट पॉइंट पे ले ए बी सी एंड डी, तो यहां पे जो भी प्रेशर होगा, यहां पर भी जो भी होगा, यहां पर एग्जैक्टली सेम आएगा, इरिस्पेक्टिव कि ट्यूब टेढ़ी मेढ़ी है जैसी मर्जी है। ग्रेविटी के साथ काम हो रहा है, प्रेशर का डिफरेंस जो होता है एच रो जी होता है, और जी में ये मैटर नहीं करता कि आप ऐसे गए थे या ऐसे गए थे, जी सिर्फ ये देखते हैं कि आप वर्टिकल हाइट कितनी है।
तो आपने स्टार्टिंग और एंड की हाइट देखनी है सिर्फ, जैसे वर्क डन कंजर्वेटिव होता था, मैं कंजर्वेटिव वर्ड तो नहीं यूज करूंगा, पर प्रेशर जो है वो सिर्फ वर्टिकल हाइट देखता है। तो एच रो जी प्लस ऊपर से कितना प्रेशर है, पी एटमोसफेयर। तो यहां का प्रेशर पी एटमोसफेयर प्लस एच रो जी, पी एच रो जी पी एटमोसफेयर प्लस एच रो जी पी एटमोसफेयर प्लस एच रो जी। तो तीनों पॉइंट का प्रेशर मिल रहे। कैलकुलेट मत करने बैठ जाना कहीं ट्यूब टेढ़ी मेढ़ी और मैं क्या कर लूंगा, कुछ नहीं करना, हाइट देख के एच रो जी। पॉइंट समझ में आया यहां तक? पैराडॉक्स पे कैसे प्रॉब्लम आएंगी? अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आए, देखो बुक्स में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये आपके सामने एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड है, चेक करो, और लिक्विड की हाइट एकदम एच एच तक है, और आपका जो पॉइंट है जहाँ प्रेशर निकालना है वो एक्स पॉइंट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ट्यूब टेढ़ी मेढ़ी आ रही है या सीधी आ रही है या किस शेप में आ रही है, उससे कोई फर्क नहीं है। यहाँ और यहाँ की सिर्फ वर्टिकल हाइट देखी जाएगी, ट्यूब चाहे जितना मर्जी घुमा के ले आओ, और अगर लेवल है पानी का यहाँ तक, तो आपने वर्टिकल हाइट देखते हुए आंसर क्या बोलना है, एटमोस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा लगेगा साथ में एच रो जी। आप नहीं देखेंगे ट्यूब घूम गई, घूमने दो, आपने सिर्फ वर्टिकल प्रेशर को ही देखना है। पॉइंट आया यहां तक? तो वर्टिकल की वजह से जो इंक्रीज इन प्रेशर है वो एच रो जी ही आएगा। आगे देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो सपोज नया डायग्राम हो रहा, एक्स एक पॉइंट है, वाई एक पॉइंट है और जेड एक पॉइंट है, और पानी की सरफेस से तीनों की हाइट कितनी है, एच है, क्योंकि लेवल सेम है तो प्रेशर एट एक्स, प्रेशर एट वाई, प्रेशर एट जेड विल रिमेन सेम, दैट इज कॉन्स्टेंट। समझ में आ रहा है? सेम हाइट पर है, प्रेशर सेम रहेगा। यहां तक? नेक्स्ट सपोज करो कुछ इस तरीके से ट्यूब है, ट्यूब घूमती है, घूमने दो, जैसे मर्जी घूमे, अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर खींच लिया जाए कुछ ऐसे, इस पॉइंट ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, और मान लो इस लेवल से इसका डिस्टेंस, लेवल से इसका डिस्टेंस भी कितना है, h, दिख नहीं रहा चाहे लेकिन यहीं से है हाइट, यहां से और यहां से, ऐसे ये वाला और ये वाला, ये भी h है, तो प्रेशर की वैल्यू a की, b की और c की एग्जैक्टली क्या रहेगी, इसमें भी, इसमें भी चेंज नहीं होगी। पर हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं देख रहे प्लीज, क्योंकि वो करना बड़ा मुश्किल है, शेप हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, तो रिएक्शन ऐसे लगेंगे कि उस केस में प्रेशर की वैल्यू ए और बी और सी की एग्जैक्टली सेम है। हम सीधा जो है शॉर्टकट ही लगा रहे हैं, क्योंकि हमने अभी देखा कि वो एक्चुअल मेथड ढूंढना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि शेप के ऊपर प्रेशर डिपेंड करते हैं, पर ग्रेविटी का जो प्रेशर एच रो जी है वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है यहाँ तक? ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बुक्स देखोगे ना तो ऐसे मिलेंगे, ऑप्शन मार्क करने को आएगा। तो पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? देखते हैं फिर से, अब ये थोड़ा ध्यान से, अब जो मैं काम करवाने जा रहा हूँ इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, और कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आज एक शीट मिली है,
जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो नेक्स्ट शीट का प्रिंट आउट लें, A58। बाकियों को मिल गई आज की शीट A58, चेक करो। और जिसमें पहला क्वेश्चन ये है, मिल गई शीट ये वाली, सेकेंड वॉल्यूम ज्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है, ओके प्लीज। इस शीट के अंदर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, साइलेंस प्लीज। इस शीट में एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पेज नंबर जहां ये डायग्राम बना हुआ है इसे ओपन करो, पेज नंबर फोर पे ये डायग्राम चेक करो, ठीक। देखो ध्यान से प्लीज, इस डायग्राम में आपको एक YouTube गिवन है, तो आपको एक यू शेप में ग्लास क्यूब गिवन है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। और क्वेश्चन में यह गिवन है कि इस ट्यूब के एक तरफ 12.5 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट डाल दी, स्पिरिट बहुत हल्की होती है, फिर दूसरा लिक्विड थिनर की तरह, थिनर नेल पॉलिश रिमूवर की तरह ऐसा कुछ मटीरियल जो हल्का, इतना हल्का है कि अगर ओपन छोड़ दोगे तो उड़ भी जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या डाल दी, मरकरी डाल दी, मरकरी बहुत भारी होती है। और इस तरफ क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, शेड कर लेना प्लीज, वाटर डाल दिया हल्का सा कुछ, क्रॉस कर लेना, क्रॉस क्रॉस का मतलब पानी है, राइट। तो ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन है कि मरकरी का लेवल एग्जैक्टली दोनों में सेम है, लेफ्ट और राइट में सेम है, एक गिवन है, पर यह कोई जरूरी नहीं है कि सेम होगा, क्योंकि तीनों लिक्विड की डेंसिटी में डिफरेंस है, कोई भारी लिक्विड है और कोई हल्का लिक्विड है, भारी लिक्विड नीचे की तरफ गिर जाएगा, हल्का ऊपर ज्यादा चला जाएगा, और लेवल दोनों में सेम नहीं रहेगा। पर अगर लिक्विड एक जैसा होता इस ट्यूब में तो दोनों लेवल्स में हाइट ऑफ लिक्विड एग्जैक्टली सेम होता, राइट, ऐसे होता। पर इसके अंदर मैंने क्या बताया कि पानी की डेंसिटी और मरकरी की डेंसिटी और स्पिरिट की फर्क है, तो इस वजह से लेवल्स में डिफरेंट। क्वेश्चन है, मरकरी इज इन लेवल गिवन है, तो मरकरी का लेवल यहां पर एच है, तो यहां पर एच है, राइट। आगे देखो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6। जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी इसका मतलब होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वॉटर। तो जैसे मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वॉटर। ऐसे अगर मान लो डेंसिटी ऑफ कोई ए लिक्विड है, तो डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो ए लिक्विड की, तो उसकी डेंसिटी, या मान लो किसी कॉपर की निकालनी है, कॉपर की एक बॉल है और उसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वॉटर, याद रहेगा। यानी कि रिलेटिव डेंसिटी आपको मरकरी की गिवन है, आपको किसकी निकालनी है, स्पिरिट की निकालनी है। देखो YouTube के जितने क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, लिक्विड के इस टाइप के सेम क्वेश्चन होंगे, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि ये इक्विलिब्रियम में लिक्विड गिवन ही होगा, ये मूव नहीं कर रहा, ये स्टेशनरी है। तो अगर ये स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो यहां पे जितनी भी फोर्स नीचे लग रही है और यहां पर जितनी भी फोर्स नीचे लग रही है, वो एग्जैक्टली सेम है। देखो ये जो ग्राउंड पे या हॉरिजॉन्टल लिक्विड है, ये तो मूवमेंट जनरेट नहीं करवा सकता, मोमेंट कौन जनरेट करवा रहा है, इसका भार, लिक्विड का भार इस तरफ से और इस तरफ से, वो भार जो होगा, जो वेट होगा, वो नीचे क्या लगाएगा, प्रेशर। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि कोई भी एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, पॉइंट, इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर एग्जैक्टली
सेम है, तभी लिक्विड ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा। या ऐसे बोल लेते हैं कि यहां पे आते 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 देर इज इंक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू स्पिरिट एंड देर इज इंक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू मरकरी, तो यहां से आते आते प्रेशर बढ़ता जा रहा है और यहां से आते आते भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है वाटर और मरकरी की वजह से। इतना इंक्रीज यहां से हुआ, इंक्रीज यहां से हुआ, और अगर दोनों में वर्टिकल प्रेशर में इंक्रीज सेम है तो इसका मतलब है, इसका मतलब लिक्विड ऊपर नीचे नहीं करेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? ये रूल समझ में आ रहा है? फिर से एक बार कि सपोज आपके पास एक लिक्विड है, सपोज ये आपके पास एक लिक्विड है, ये रहा, लेवल सेम है, दोनों में लेवल सेम है। मैंने क्या किया कि सपोज 10 केजी ऑफ वाटर यहां डाल दिया, पानी डाल दिया कुछ। अगर मैं पानी का अमाउंट 10 केजी यहां पे भी सेम डालूं तो लेवल में चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही है, हम किसी चीज को जब तोलते हैं तो ग्रेविटी का इफेक्ट होता है, तो मैं ये तोल ही तो रहा हूं क्योंकि इसका जो वेट है नीचे की तरफ और इसका जो वेट है नीचे की तरफ अगर वो सेम हो जाता है तो ना कोई बड़ा वेट है ना कोई छोटा वेट है, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। पर अगर यहां का वेट बढ़ जाता है सोचो तो फिर ये लेवल इस तरफ चला जाएगा, मूवमेंट हो जाएगी उस केस में। क्या बात समझ में आ रही है? ये रूल क्लियर है? ठीक, तो अब मुझे ये बताओ कि यहां का वेट और यहां का वेट सेम है, या वेट की बजाय ना वेट नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं? यहां से आते आते जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला होता है एच रो जे और वेट होता है एम जे, और हमें ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो प्रेशर के ऊपर बेस्ड होता है। तो हम नॉर्मली वेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वेट को एरिया से डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रेशर ही आने वाला है। तो बेसिकली यहां पे जो इंक्रीज इन प्रेशर होगा प्लस यहां पे जो इंक्रीज इन प्रेशर होगा मस्ट बी इक्वल टू यहां का इंक्रीज इन प्रेशर प्लस यहां का इंक्रीज इन प्रेशर, और अगर दोनों साइड इंक्रीज इन प्रेशर सेम हो तो फिर लिक्विड लेफ्ट और राइट मूव नहीं करेगा। अब मुझे ये बताओ कि जब आप यहां से यहां आ रहे हो तो प्रेशर स्पिरिट की वजह से कितना इंक्रीज हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? एच रो जी। हाइट कितनी? 12.5 इंटू डेंसिटी स्पिरिट की इंटू जी प्लस प्लस, ये हाइट किसकी है? मरकरी की। मरकरी का प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ? एच इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू राइट, तो एच रो जी फॉर स्पिरिट प्लस एच रो जी फॉर मरकरी। कोई डाउट इसमें? समझ आ रहा है यहां तक? राइट साइड पे चलें, हॉरिजॉन्टल को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जनरेट नहीं करता। यहां पे 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का प्रेशर कितना आएगा यहां पर इन दोनों पॉइंट्स पे? एच रो जी फॉर वाटर यानी कि हाइट ऑफ वाटर 10 सेंटीमीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, और यहां पे क्या आएगा? एच इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो दोनों तरफ एच रो जी एच रो जी एच रो जी लगा दिया और यानी कि प्रेशर का इंक्रीज लेफ्ट पे और राइट पे सेम कर दिया। अब ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहेगा राइट। पर एक चीज नोट की कि मरकरी का प्रेशर लेफ्ट पे मरकरी का प्रेशर राइट पे एग्जैक्टली सेम है, और आपने एक चीज नोट की ये दोनों टर्म मैंने क्या कर दी? कैंसल। तो काफी लोग ये सोच रहे होंगे अगर ये कैंसिल ही करनी थी तो लेने की जरूरत क्या थी, तो मत लेना आगे से। अगर आपको लगता है कि ये जो लिक्विड है एक जैसा लिक्विड है और लेवल इसका एग्जैक्टली सेम है तो इसका और इसका मत इसको छुपा लें ऐसे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये नहीं भी लेंगे या ये लेंगे तो में कोई चेंज नहीं आएगा? इसका मतलब अब मैं क्या ये बोल सकता हूं कि इस पॉइंट का प्रेशर इस पॉइंट का एंड इस पॉइंट का प्रेशर एग्जैक्टली सेम है। वो क्यों? क्योंकि यहां का प्रेशर सेम है, नीचे आके एच रो जी ऐड कर दो, यहां का प्रेशर सेम है एच रो जी ऐड करोगे तो यहां का प्रेशर भी एग्जैक्टली ऑब्वियसली। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो आपको एक शॉर्टकट दिखेगा कि अगर मान लो एक लेवल सेम है एक लिक्विड का, जैसे दो तीन किस्म के लिक्विड हैं, ये एक टाइप का लिक्विड है ऐसे ये रहा और इसके ऊपर दूसरे टाइप का लिक्विड भी है इस तरीके से मूव कर ऐसे, तो अगर आप एक लाइन खींचते हो ऐसे राइट, एक इमेजिनरी लाइन खींचते हो ऐसे, तो लिक्विड अगर इसमें ब्लू कलर का लिक्विड है एक जैसा है तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन लेने की जरूरत नहीं है, और अगर ये दोनों पोर्शन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों में लेफ्ट में और राइट में कैंसिल ही होने वाला है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सी का और डी पॉइंट का प्रेशर एग्जैक्टली
सेम है, एक ही बात है, शॉर्टकट मारो, सीधा लाइन बनाओ और इन दोनों का प्रेशर का पॉइंट सेम ही आएगा। शॉर्टकट है ये, काफी जगह यूज हो जाता है, पर अगर नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, एच रो जी ऐड कर दो, अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अच्छा तो इस केस में एच रो जी क्या हो गया, कैंसल, 12.5 इंटू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट और जी से जी भी कैंसिल हो गया, 10 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 डिवाइडेड बाई 12.5, और इसकी रेशियो को डेंसिटी ऑफ स्पिरिट बाई डेंसिटी ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। आंसर पॉइंट समझ में आया कि रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकली इसमें, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, ओके, अगला पार्ट ऑफ क्वेश्चन साथ ही देख लो, ध्यान से देखना प्लीज। ठीक है, अगला रिकॉर्डिंग सुनना, आज व्हाट्सएप पे आएगा, ये घर पे सुन लेना। ओके, नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है कि सपोज करो सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी करेक्शन जरूर कर लेना प्लीज। करेक्शन ये है, इन अबव क्वेश्चन 15 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट, यहां तक बिल्कुल ठीक है, 15 एंड इसको काट दो एच जी को, 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, एच जी की जगह लिखो 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, लिख लिया, तो मैंने क्या करेक्शन करवाई, 15 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट एंड इज वुड, तो मैंने अब क्या किया, पिछले क्वेश्चन में मैंने जो 15 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट और 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एक्स्ट्रा ऐड कर, तो मुझे यह बताओ कि स्पिरिट पहले कितने सेंटीमीटर में थी, चेक करके दो, पिछले क्वेश्चन में 12.5 मैंने कितना ऐड किया, 15 सेंटीमीटर, अब नई हाइट कितनी आ गई, 20, डन हो गया। अच्छा वाटर 10 सेंटीमीटर पे तो ऑलरेडी था, 5 और ऐड किया 15 सेंटीमीटर, कह रहा है ऐसा करने से लेवल हिल गया मरकरी का, अब वो एक लेवल पे नहीं रही, यानी कि यहां पे लेवल कितना हो गया H1, यहां पे लेवल कितना हो गया H2, कह रहे लेवल का डिफरेंस बताओ कितना हुआ H2 - H1। पॉइंट समझ में आया क्या है क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें, फाइंड H2 - H1, क्वेश्चन समझ में आ गया, जितने मर्जी लेवल बढ़ा लो कम कर लो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, इक्विलिब्रियम में आ गया, इक्विलिब्रियम में इस पॉइंट पर यानी कि नीचे आते आते इंक्रीज इन प्रेशर और यहां पे आते आते इंक्रीज इन प्रेशर की वैल्यू विल रिमेन, तो देखें इंक्रीज इन प्रेशर यहां पे कितना है, 27.5 इंटू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इंटू जी प्लस H1 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, लेफ्ट साइड पे देखें, राइट साइड पे देखो H2 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी प्लस 15 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ये क्वेश्चन समझ में आ गई सबको, राइट, क्लियर है यहां तक, लेफ्ट और राइट का प्रेशर डिफरेंस का इंक्रीज सेम कर दिया, तो यहां पर डेंसिटी ऑफ स्पिरिट कितनी है 0.8 क्वेश्चन में गिवन है, हमने निकाली उससे मरकरी की डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है, पानी की डेंसिटी हमें याद है 1 होती है सीजीएस में, मरकरी की पता है, सॉल्व करके आपके पास H2 - H1 आ जाएगा, सब समझ में आया आपको कि कैसे यूज करना है, कोई डाउट इसमें? ठीक
ओके चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं फिर से वापस, प्लीज साइलेंस, वापस असाइनमेंट पे आ जाओ, जो पहली असाइनमेंट थी उस पे, पहली असाइनमेंट पे वापस आओ, शीट नंबर A57 प्रेशर की जो शीट कर रहे थे, तो हम इस एग्जांपल में थे, एक बार प्लीज चेक करो, इस एग्जांपल में ये डायग्राम है, इसके अंदर एक टाइप का लिक्विड है, ये पिंक कलर का जो चल रहा है, यहां से यहां तक है, यहां से ज्यादा है, यहां से थोड़ा सा कम है, राइट, ठीक है यहां तक, और यहां पर ये ब्लू कलर का लिक्विड है, दो लिक्विड हैं और दोनों की डेंसिटी में पक्का डिफरेंस होगा तभी ऐसा डायग्राम बन रहा है, ठीक है यहां तक, गुड डाउट इसमें, और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि पिंक वाला जो लिक्विड है वो ज्यादा भारी होगा, तभी तो इसने इसको दबा दिया, ये वाला काफी अमाउंट ऊपर लिक्विड है लेकिन फिर भी दबा नहीं पा रहा, ऊपर उठा हुआ है, इसका मतलब हल्का लिक्विड है, डेंसिटी कम है इसका मतलब, क्या है पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक, क्लियर है। तो इस डायग्राम को देखते हुए सबसे पहला पॉइंट मुझे यह समझ में आता है कि एटमोस्फेरिक प्रेशर तो ऊपर से दोनों में काम कर रहा है, ऊपर से ट्यूब ओपन है, ओपन ट्यूब में एटमोस्फेयर ओपन है तो काम कर सकता है, राइट। अच्छा दूसरा पॉइंट यहां पर इस केस में जो ए और बी मैंने बताया था ना, यहां पिंक लिक्विड है, और अगर आप इमेजिन करो ये इंटरफेस है इन दोनों का, जहां ये ज्वाइन हो रहे हैं दोनों लिक्विड, तो एक लाइन यहां से यहां जाए, तो अगर मैं वो रूल लगाऊं HROG+HROG, तो इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसको लेने की कोई जरूरत नहीं, वो क्यों, क्योंकि HROG इस लिक्विड का और HROG इस लिक्विड लेफ्ट और राइट पर एग्जैक्टली आपस में क्या कर जाएगा, कैंसिल, नो डाउट, इसमें पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो लेफ्ट और राइट पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है यहां तक, और अगर ये कैंसिल होगा तो क्या मैं ये सकता हूं कि ए और बी पॉइंट का प्रेशर एग्जैक्टली जैसे उसमें किया हमने, राइट, समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं सेम लाइन यहां खींच दूं, ये रूल यहां नहीं चलेगा, अब पता लगे कि सारी लाइनें खींचनी शुरू कर दी, आपने कहा सर ने कहा था लाइन खींचो और प्रेशर सेम हो जाता है, ये रूल हमेशा थोड़ा ना चलता है, इनके इंटरफेस पे चलता है, तो तब जब यहां और यहां का लिक्विड सेम, तब नहीं तो नहीं चलता। अब जैसे सी पॉइंट पर सरफेस के ऊपर है सी पॉइंट पर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर है पी एटमोस्फेरिक, तो सी पॉइंट का प्रेशर कितना है पी एटमोस्फेरिक, और ये सी पॉइंट है, और डी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, एटमोस्फेरिक तो होगा ही होगा, साथ में HROG भी होगा, तो एक बात तो पक्की है कि सी का और डी का प्रेशर सेम नहीं होगा, सी का कितना है पी एटमोस्फेरिक, डी का कितना है पी एटमोस्फेरिक प्लस HROG, तो डी का प्रेशर सी के प्रेशर से ज्यादा होगा, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो ऐसा नहीं है जैसे कई लोग दूसरे बैच में कंफ्यूज हो रहे थे, ऐसा नहीं है, उन्होंने पूछा कि मान लो एक लाइन यहां खींच देते हैं हल्का सा नीचे, तो अब यहां का और यहां का प्रेशर सेम होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं लाइन यहां इसके नीचे पिंक कलर का लिक्विड है लेकिन इसके नीचे ब्लू और पिंक दो है, तो ऑब्वियसली आप ये तो नहीं कह सकते कि लेफ्ट और राइट का प्रेशर आपस में कैंसिल हो जाएगा, वो तब बोल रहे हैं जब नीचे और इस तरफ नीचे और इस तरफ नीचे का प्रेशर मैथमेटिकली कैंसिल होता है, तब वो इक्वल है, नहीं तो वो इक्वल नहीं है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो फिर ये तो समझ में आता है कि HROG इक्वेट करो पर डन, खत्म कहानी, और क्या कर सकते हो, ये तो बेस्ट तरीका है ही है, पॉइंट समझ में आया यहां तक। और इस बेस पे आज जो शीट दी है A58 ओपन करना, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो भी जो A58 का प्रिंट लिया उसे ओपन करें और पेज नंबर 8 पे आए, ऐसा डायग्राम बना होगा, घर जाके लिखना है, ये कंप्लीट करते हो कर लेना इसे कंप्लीट,
लो फिर इस साल का 2018 का जेई मेंस का क्वेश्चन देख लो क्या आया इस पे। ये रहा क्वेश्चन, एमडीजी की बुक खोलोगे ना दूसरा क्वेश्चन यही मिलेगा, 2018 का ऑफलाइन पेपर था। और सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन 2015 के अंदर भी मिलेगा, सेम टू सेम सर्कुलर ट्यूब का क्वेश्चन दो बार आया। कुछ लोग सोचे एक बार तो नहीं आता, ठीक तो शेप चेंज कर देगा या ट्राइंगल कर देगा, क्या फर्क पड़ता है। पर इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। और फिर आप मुझे बताना है कि किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, इजी है, मीडियम है या मुश्किल है, कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्लीज ध्यान से, जो तो 2015 का क्वेश्चन आया था उसके अंदर डायग्राम बना हुआ था। तो चलो एक थोड़ा एक स्टेप ईजी हो गया, डायग्राम बनाओ तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो कोई दिमाग, एक स्टेप दिमाग थोड़ा कम ही लगता है, जल्दी होता है क्वेश्चन। इस साल जो पेपर आया उसमें डायग्राम नहीं दिया, अब एक स्टेप और बढ़ गया। कैसे, क्वेश्चन बढ़ गया, डायग्राम बनाना सच में मुश्किल है। कैसे, थिन ट्यूब इज बेंट इनटू अ सर्कल, समझ में आता है, ऑफ रेडियस आर इन अ वर्टिकल प्लेन, राइट, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, दो अलग अलग लिक्विड हैं जिसकी डेंसिटी रो वन एंड रो टू। तो एक लिक्विड ये रहा और दूसरा ये रहा, इसकी जगह ना क्रॉस 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 कर लो, नहीं तो ये जैसा लगेगा, ये क्रॉस क्रॉस क्रॉस, यानी कि दो लिक्विड हैं और दो लिक्विड आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें दोनों की डेंसिटी में फर्क है, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, रो वन की, किसकी कम है, तो इसका मतलब ये वाला लिक्विड भारी है, ये ज्यादा पुश करेगा और ये ज्यादा ऊपर चढ़ जाएगा। तो लेवल इन सर्कुलर ट्यूब में दोनों का सेम नहीं रहेगा, कुछ इस तरीके से उठ गया, ठीक है। एंड फिल हाफ अ सर्कल, मतलब अगर ये यहां पे आपने रोक दिया तो दूसरे लिक्विड को यहां रोकना पड़ेगा, आधा सर्कल तक फिल करना है, तो ये आधा सर्कल हो गया, ठीक है यहां तक। तो एक लाइन खींच ली मैंने ये रही आधे सर्कल की, क्लियर है। फाइन थीटा बिटवीन रेडियस वेक्टर पासिंग थ्रू कॉमन इंटरफेस, इन दोनों लिक्विड का कॉमन इंटरफेस ये रहा, जहां ये मिल रहे हैं वो इंटरफेस है, तो ये इंटरफेस ने रेडियस के साथ क्या एंगल बनाया, थीटा, वो निकाल। मैं कहता हूं पहले तो फिगर बनाना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसी में चार नंबर देने चाहिए थे पहले, तो इतना ही है यार, फिगर बना लो यार, इतना ही बहुत है। नहीं सही बोल रहा हूं ना, गलत तो नहीं बोल रहा, इतने प्रेशर में फिगर भी सही बनाना कोई आसान तो नहीं है, बट क्योंकि ये सेकेंड टाइम रिपीट हुआ और पहली बार असाइनमेंट में लोगों ने किया हुआ था तो वो रिलेट कर पा रहे थे कि क्या क्वेश्चन है, तो जो प्रैक्टिस करके गए थे उनसे सच में सही हो गया क्वेश्चन, उनको याद थी फिगर यार, गोल ट्यूब में क्या करना होता है उनको तो पता ही था, ठीक। देखो तो ध्यान से देखना प्लीज, आपको ये थीटा निकालना है, तो इसकी ज्योमेट्री हमेशा से ही ऐसी बनती है, आप किसी बुक में देखोगे हर बुक में मिलेगा ये क्वेश्चन, क्या रेडियस आर 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 है, राइट, अगर ये लेट अस सपोज थीटा है, ये थीटा है, थीटा क्योंकि ये 180 है, 180 है, ये जो एंगल है ये वाला ये 90 है, इमेजिन कर लो एक लाइन है ये डायमीटर वाली, थीटा है तो 90 माइनस थीटा है, तो थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग से ये भी थीटा है, तो मतलब इस तरीके से ज्योमेट्री गिवन है और आपको इसमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि ये जो एंगल्स हैं वो सेम गिवन होते हैं, जो पीछे क्वेश्चन आया था जो 2015 वाला बता रहा हूँ आपको बुक्स में मिलेगा, उसमें ज्योमेट्री गिवन थी, मतलब एक स्टूडेंट के लिए सच में आसान हो गया था, जब एंगल सारे गिवन होना तो उसमें निकालना बहुत ईजी हो जाता है उसके लिए। तो इस केस में अब देखो क्या करना हमने कि हम क्या करेंगे कि देखो ये एक लाइन खींच लेते हैं इंटरफेस की, एक रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन के नीचे ब्लू कलर का लिक्विड और इस लिक्विड का प्रेशर एचरोजी यहां पे जो होगा और एचरोजी यहां पे होगा वो आपस में लेफ्ट और राइट पर क्या कर जाएगा, कैंसल। तो क्यों ना ऐसा करें, इसको ले ही ना और रेफरेंस लाइन ये ले लें, ये मानते हुए कि यहां का और यहां का प्रेशर एग्जैक्ट सेम है। हाँ कोई कहे नहीं मुझे समझ में नहीं आया, मेरे को तो बॉटम से ही लेना है, तो ले ले फिर एक और हाइट ले ले, एच वन रोजी दोनों तरफ करना पड़ेगा उसे कैंसल, बट समझ में आ रहा है यहां तक। तो सपोज करो लेवल यहां तक है, अगर ये रेफरेंस लाइन है तो मैं यहां का और यहां का प्रेशर सेम कर दूं, यहां का होगा क्या, यहां का प्रेशर होगा
एच रो जी फॉर दिस लिक्विड, बस इतना ही होगा, ये लिक्विड यहीं तक है। यहां का प्रेशर क्या होगा, एच रो जी फॉर दिस लिक्विड प्लस एच रो जी फॉर दिस लिक्विड, तो इसका एच रो जी प्लस ये एच रो जी इज इक्वल टू एच रो जी, बस ज्योमेट्री है कुछ नहीं इसमें। अगर ये आर है, ये थीटा है, तो ये हाइट वाई है, तो टैन साइन थीटा इज वाई बाय आर, कितना आ गया आर साइन थीटा, कोई डाउट इसमें, डन हो जाएगा। अच्छा अब इधर देखो, अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो इस ट्राइंगल के अंदर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज वाई डिवाइडेड बाई आर, तो ये हाइट क्या आएगी आर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, समझ में आया हाइट कैसी आई आर कॉस थीटा, क्लियर है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट, अगर ये आर है ये थीटा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल साइन थीटा ये ना, और इस ट्राइंगल में थीटा इज दिस बाय आर, तो दिस इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ज्योमेट्री लग गई। तो ये हाइट आएगी आर कॉस थीटा, ये हाइट आएगी आर साइन थीटा, तो ये छोटी सी वर्टिकल हाइट क्या आएगी आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा, कोई डाउट इसमें, तो हाइट आ गई रिक्वायर्ड हाइट जो चाहिए। फिर इधर से भी हाइट आ चुकी है, बस आगे कुछ नहीं है। लेफ्ट साइड पे एच रो जी फॉर दिस लिक्विड, बोलो एच की जगह ये पूरी हाइट एच रो वन जी, लेफ्ट का प्रेशर आ गया। राइट के प्रेशर में एच यानी कि आर कॉस थीटा इंटू रो टू इंटू जी प्लस आर साइन थीटा इंटू रो टू इंटू जी, राइट समझ में आ गया। यहां तक इक्वेट कर दें लेफ्ट और राइट का प्रेशर, ये मैंने इक्वेट किया, इक्वेट करके जी आर जी आर जी आर कैंसिल हो गया, कॉमन निकल गया वहां से रो टू जी आर, और यहां से रो वन और रो टू की रेशियो आ गई, कॉस थीटा से डिवाइड कर लिया इसे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को ये वन हो गया, ये टेन हो गया, ये वन हो गया, ये टेन हो गया, तो रो वन बाय रो टू की रेशियो आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ओपन किया, टेन थीटा वाली टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, टेन थीटा आ गया, थीटा इज टेन इनवर्स, ये ऑप्शन मार्क करके आना है। कितने लोग बोलते हैं कि ईजी है, लोग बोलते हैं कि अच्छा, कितने लोग बोलते हैं कि करने के बाद अब ये ईजी है। हाँ, अब मेरे सेट में भी सेकंड टाइम आता तो मैं कर लेता कैसे कैसे, ओके। कितने लोग बोलते हैं कि नहीं मिड लेवल है, कितने लोग बोलते हैं कि यार मुश्किल है,